नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। इस समय मैं रिफ्यूजीज के साथ हूं। ये रिफ्यूजीज मैं बता दूं आपको, पार्टीशन 1947 के, 1965 के और 1971 से, और क्या कुछ इनकी मांगे हैं इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन यह आज आप देख सके, यहाँ पे हाथ में इनके तिरंगा है, पीछे लहरा रहा है, और यहाँ पे महिलाएं भी हैं इनके साथ, और अपनी मांगों को लेके आज धरना प्रदर्शन करने प्रेस क्लब के बाहर एकत्रित हुए हैं। क्या सारी मांगे हैं इनके, जो प्रधान है कैप्टन युद्धवीर सिंह चिब, उनसे बात करेंगे। चिब साहब, क्या जरूरत पड़ गई आपको कि आज आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, वो भी जम्मू में आके? वो कहते हैं इंग्लिश में एक मुहावरा है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, मतलब जरूरत आजाद की माँ है। आज हमारे साथ बहुत धोखे हुए हैं, हमारे साथ वो बेइंसाफी हुए हैं जो आज हमें बाहर निकालनी पड़ रही है। मैं नहीं कहूँगा कि इसी गवर्नमेंट ने, वरना जो भी गवर्नमेंट आई उन्होंने हमारा मिसयूज किया, हमारा फायदा उठाया, अपनी कुर्सी बरकरार रखी की और चले गए। लेकिन अभी हमें जब जे मोदी जी आए, हमें इसके ऊपर भरोसा था कि अभी ये कुछ करेगा, क्योंकि इसको कोई लोभ लालच नहीं है। लेकिन इन्होंने भी 10 साल कर ली, सिर्फ एक हमें 5.5 लाख रुपया बांटने में 10 साल लगा दिए। अगर 10 साल लगे हैं तो वो क्या मजबूरी थी इनकी, क्यों, क्या इतना 5.5 लाख रुपया बांटने में इतना टाइम लग सकता है? अभी भी हमारी फाइलें तहसीलदारों के दफ्तर में, DC के दफ्तरों में पड़ी हुई हैं, और उसके ऊपर कोई इतना दिलचस्पी से काम नहीं हो रहा है। लोग परेशान हैं, लोग सोच रहे हैं अभी क्या होगा, किस तरीके से हम करेंगे, क्या हमें ये मिल भी पाएगा, और कुछ लोग थक कर छोड़ गए हैं। तो मैं, ये भी एक हमारी प्रॉब्लम है कि 24.5 लाख कब बांटेंगे ये, जब हमारी 4थी 5वीं पीढ़ी और आ जाएगी तब बांटेंगे ये? नहीं, ये बहुत बेइंसाफी है, ये बड़ा हमारे लिए बदकिस्मती है कि आज जो कौमत आ रही है उसने हमें जो है वो अंगूठा दिखाया है। मैं अगली बात ये कहूँगा कि जो लोग हमारे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश में, उनके बारे में आज तक कोई पार्टी नहीं बनाई है, वो रिफ्यूजी हैं। हम चाहते हैं उनको भी वैसा ही, अगर आपने हमें 5.5 दिया तो उनको भी दीजिए, क्या वो POJ के DPC नहीं है, उनको ही मिलना चाहिए। अगली चीज मैं ये कहूँगा कि मैं आपकी बात पे आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप प्रधान हैं, कितने लगभग रिफ्यूजीज हैं जिनको, जिनकी बात आप कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में कितने हैं, और जम्मू कश्मीर के बाहर जो आप बात कर रहे हैं अलग स्टेट्स में, वहाँ पे कितने हैं? देखो, अभी जो जम्मू कश्मीर में है, जो इन्होंने कुंभा लिया है, इन्होंने कुंभा लिया है पुराना कुंभा, पुराना जब वो आया था, जैसे 47 का है उन्होंने वो लिया है, वो 36,000 कुंभा है। इससे 65 और 71 का जो है वो तकरीबन 10,500 कुंभा है। ये कुंभा टोटल इन्होंने जो शो किया है, गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड हैं, वो लिया है इन्होंने। लेकिन एक दूसरे भी बाहर वाले, जैसे वेस्ट पाकिस्तानी है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ POJK के रिफ्यूजीज की। अगर आप इतने रिफ्यूजी को नहीं सेटल कर पाए हैं तो कब होगा जी? ये हम नहीं सोच रहे हैं कि ये अभी BJP ढोल बजने वाला है। डिलिमिटेशन की रिपोर्ट तकरीबन जो बन चुकी है, जो उन्होंने थोड़ा सा अमेंडमेंट करना वो कर देंगे। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि जो हम लोग हैं, हमारी 22 सीटें अभी कोई नाम नहीं ले रहा है, वो कहाँ पर हैं? आप डिलिमिटेशन कमीशन से मिले थे? हाँ, मिले थे हम, अपनी मांग रखी थी, रखी थी, और 24 की 1/3 सीटें जो थी वो कहा था कि उन्होंने कहा कि हम बैठेंगे, हमारी भी डिलिमिटेशन की कमेटी है, हम उसमें डिसाइड करेंगे। अभी डिसाइड तो उन्होंने करना है, अभी डिसाइड जो हमारे जो MP साहब बैठते हैं उनके साथ, जो और भी कमेटी है, ये उनका काम है। हम तो सिर्फ बताने वाले हैं, हमने सिर्फ जाकर उनके आगे तकलीफ रखनी है, अभी हल करना, उसका ठीक ढंग से बात करना, ये उनका काम है। दूसरी बात, ये मैं अभी डिलिमिटेशन तकरीबन काम बिगड़ बजने वाला है, और जब बिगड़ बज गया ये बेबस हैं, हम भी बेबस हैं। अभी हमारे लिए और कोई चारा नहीं है, चारा यही है, या इस तरफ या इस तरफ, क्या करेंगे? लेकिन मैं जैसे पहले कह चुका हूँ कि एक ही लफ्ज होता है, या न तो या बने, ये डोगरी का लफ्ज, हम वो करेंगे। अभी पहले कांग्रेस के टाइम पर भी किया, आज कांग्रेस की कुर्सी निकली हुई अभी दोबारा नहीं आ रही, ये बहुत बलवान होता है, जनता में बहुत ताकत है, ये है एक दिन, जनता में ताकत एक दिन है।
जिस अभी रिफ्यूजीज का रोष जो है वो कांग्रेस से है कि वर्तमान सरकार अभी वर्तमान से उनका खत्म हो गया हमारा रोज उनका रोज खत्म हो गया वो अपने कारनामे में अभी भुगत रहे हैं। लेकिन इस सरकार ने तो आपको असेंबली में वोट की पावर भी देगी और उसके बाद 5 लाख भी दे दी। पावर तो हमारे पास पहले है वो बैस पाकिस्तान के हैं सियालकोट में जिनको हम तो पहले पावर ले चुके हैं। हम तो जहाँ के जो है क्या बोलते हैं फंडामेंटल जो है स्टेट सब्जेक्टेड है हमारे पास स्टेट सब्जेक्ट है हमारा तो हक पहले का ही है। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि जो हमारा सेटलमेंट है वो ये कर नहीं पाए वो कैसे हम कहेंगे हमारा सेटलमेंट ना बच्चे हमारे बेरोजगार हैं ना वो पढ़ पाए हैं ना गवर्नमेंट उनको कहीं रिजर्वेशन दे रही है ना उनको कोई रास्ता दे रही है। अभी जो कस्टोडियन के लोग हैं वो देखो उनको पैसा लेते हैं जी उनसे किराया लेते हैं अगर उन्होंने मेंटेनेंस करनी है तो वो अपने पैसे से करते हैं लड़के लड़कियों की शादियां करनी है तो अगर ये ढंग चल जाए इनको पक्के मकान दे दीजिए इनको पक्के मकान किराया बंद कर दीजिए तो ये काम करेंगे उनको संभालेंगे देखभाल करेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी मरला जमीन नहीं है अभी कुछ किराए पर रह रहे हैं लोग किराए पर रह रहे हैं। मैं आपका प्रेस रिलीज भी पढ़ रहा था इसमें आपने लिखा है कि जो बैलेंस अमाउंट है वो भी जो है दिया जाए मेन बैलेंस अमाउंट जो है वो तो हमारी आज कब की है। लेकिन वन टाइम सेटलमेंट भी गवर्नमेंट बात कर रही है। देखो ये गलती हुई है गवर्नमेंट से। क्या गलती है? गलती उन्होंने ये की है जो लिखा वन टाइम सेटलमेंट। दो बार हमारे होम मंत्री राजनाथ जी जहाँ आए थे उनसे हम मिले थे काफी बड़ी मीटिंग हुई थी तो उन्होंने कहा था हमें तसल्ली दीजिए आप चिंता मत कीजिए ये हमारे से गलती हुई है। हम मानते हैं वन टाइम सेटलमेंट नहीं लिखना चाहिए था लिखा गया है आप इसके ऊपर मत भरोसा रखिए हमने जो आपका हक बनता वो हम देंगे। लेकिन अभी राजनाथ जी डिफेंस में चले गए और अमित शाह जी जो अभी होम में आ गए तो अभी हम इंतजार कर रहे हैं कब देंगे कब हम उम्मीद करें। और उसके बाद हमने बड़ी दुख की बात है इस गवर्नमेंट ने हमारे से कभी कोई बात ही नहीं की। पहले रिफ्यूजियो अभी तुम्हारा क्या होगा खुश हो या नाराज हो क्या यही लेना चाहते हो 5.5 या 24.5 कभी उन्होंने बात नहीं। जो डिसीजन आया वो क्या उन्होंने बंद कमरे में बैठ के लिया आपसे बिल्कुल बात नहीं की? बंद कमरे में लिया हमें तो बुलाया नहीं उन्होंने या हमारे साथ डिस्कशन करते भाई हम ऐसा करने जा रहे हैं आपको ये नाम एक्सेप्टेड है या नहीं कोई हमें कोई पूछा नहीं गया। लेकिन जब ये फैसला आया था तब तो कोई धरना प्रदर्शन आपके द्वारा नहीं देखा गया और आज इमीडिएटली क्या नहीं हमने किया है हमने किया जैसे मैंने अपने होम मंत्री राजनाथ सिंह की बात कही है वो इसलिए हम गए थे सब हमारे ग्रुप गए थे लेकिन उन्होंने तसल्ली दी आप चिंता मत करो हम आपको देंगे जो आपका हक बनता है। लेकिन ये हमारे से गलती उन्होंने गलती मानी थी कि वन टाइम सेटलमेंट नहीं लिखना चाहिए था उस पर हम भरोसा नहीं कर रहे हमारे पास ताकत है ये वन टाइम सेटलमेंट दौड़ते जाएंगे जी ये हमारे आगे नहीं टेक पाएंगे जी जब ये जनता हमारी निकलेगी ना मैदान जंग में ये वन टाइम सेटलमेंट कई आए तो कई के तो इसलिए अगर उनसे गलती है एक्सेप्ट कर रहे हैं एक होम मंत्री एक्सेप्ट करता है तो हमने कहा ठीक है आप हमें पैसा जो जनता के प्रतिनिधि हैं जम्मू कश्मीर से क्या आप उनसे मिले वन टाइम सेटलमेंट के बाद जिस तरीके से सभी से मिले हैं क्या आश्वासन दिया उन्होंने? देखो आज एक हफ्ता हुआ है हम देवकाम से मिले हैं बदकिस्मती हमारी है एक आता दूसरा चला जाता है जिसके आगे हम गाना गाते हैं लेकिन चेयर तो वही रहती है। नहीं चेयर रहती है चेयर बोलती नहीं ना बोलता उसके ऊपर बैठा हुआ आदमी जब आदमी नहीं उसके ऊपर बैठे चेयर ने क्या करना मानता हूँ ना तो इसलिए चेयर जो है वो रहेगी उधर कई आएंगे कई जाएंगे। मैंने अपनी लाइफ में काम 35-36 डिविजन कमिश्नर देख चुका हूँ जब से मैं काम कर रहा हूँ 36 साल से। आज जितने भी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ हाथ में तिरंगा लेके आए हैं अपनी डिमांड रख रहे हैं तिरंगा हाथ में लेके क्या मैसेज देना चाहते हैं डिमांड? हाँ पहले नंबर हम हिंदुस्तानी हैं हिंदुस्तानी रहेंगे हिंदुस्तानी का जो हमारा कर्तव्य है उसको निभाएंगे देख तो ये। नंबर दो तिरंगा हमारी जान है चाहे हमारे घरेलू मसले कितने भी हों अगर तिरंगे के ऊपर कोई हाथ उठाएगा हम उसके अंगल काटेंगे उसका सिर काटेंगे हम अगर तिरंगे के ऊपर कोई हाथ उठाएगा। मैं से कहा इससे तिरंगे से और बड़ा कोई नहीं है। ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ये तिरंगा लिया है वो आज हमारे बीच में नहीं है हजारों के तादाद में लोग मर चुके हैं वो उन्हें भूख हड़ताल ने कितना कुछ देखा कितनी तकलीफें सही हैं ये तिरंगा आसानी से नहीं मिला है। इसलिए हम लोग जैसे हैं अभी उनके पीढ़ी आ रहे हैं उनकी औलाद आ रहे हैं ये हमारा फर्ज बनता है कि हम जो हैं ये तिरंगे को आँच ना आने दें। अगर कोई देश अगर कोई उसके ऊपर बुरी आंख से देखता है तो हमें उसके ऊपर कूद कर पड़ना चाहिए ये मैं कहना चाहता हूँ। मांग क्या रखेंगे सरकार से?
हमने यही रखी है जो हमारे मसले हैं, प्रेस रिलीज में बैठे हमारे साथ डिस्कस करें, हमें बताएं ये हम कर सकते हैं ये नहीं कर सकते हैं। कुछ इसमें सेंटर के हैं, कुछ स्टेट के हैं, दोनों ग्रुप में बैठे हमें जवाब दें, हमें जो है वो हमारे से जवाब तलब करें। अगर कोई सुझाव लेना है वो भी हमारे से लें, हम वो भी बताएं, लेकिन कुछ करें तो सही। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, आज ये जो जितने भी प्रोटेस्ट करने आए हैं ये किस किस डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, कि सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट से ही हैं या जम्मू? सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट से, जम्मू डिस्ट्रिक्ट सांबा के हैं, कोई साइड स्टेटगार्ड साइड से आए हैं, बॉर्डर से अपने जीरो पॉइंट से, आर्मी आर्मी हमारे पीछे है, हम बॉर्डर के आगे रहते हैं। ठीक है, श्रीनगर में यहाँ पर काम करें, बीजेपी की बात है, यहाँ पर जब पैकेज पहला पैकेज आया तो चौधरी श्याम सिंह ने बोला ये हम हिंदुस्तान का जो पहला पैकेज 5.5 लाख रुपये हम देंगे। अभी वो बैक साइड में जिसने पैसा लिया है बैक साइड में क्या रखाया, कहीं अनपढ़ आदमी है उन्होंने नहीं दिखा है, लेकिन गवर्नमेंट ने आप पे खुद धोखा किया है, वो धोखा खुद खाया है, क्या है धोखा है कि बैक साइड में लिखाया हुआ कि बन एक टाइम पैसा मिलेगा, वो तो बात की हमने, वो किया है। दूसरी चीज का अभी ऐसा है, जब हम मतलब के ये हमारे जो पैकेज जहाँ जहाँ हमारे को पैसा नहीं मिलेगा, हमारी मांग नहीं होगी, तो हम बिल्कुल बोर्ड उसी को डालेंगे, उसी सरकार को डालेंगे जो हमारा जो मतलब काम ये करेगा पूरा काम। तो हमारा यही है, वो बोर्ड उसी को देंगे, बोर्ड उसी को लगाएंगे जो हमारा काम। बोर्ड पे क्या कहेंगे, यहाँ पे मसला तो है आपका, लेकिन कहीं राजनीति भी चल रही है इस मसले की? राजनीति हमारी नहीं है, राजनीति मसले की चल रही है नहीं, कोई मसले की राजनीति हमारी है, सफाई की सच्चाई की, हमारा जो काम करेगा हम बोर्ड उसको देंगे, सीधी बात जी, जो हमारा काम करेगा हम उसके साथ, जो 24 लाख देगा, जो 5 लाख जी जो कस्टोडियन को माल का देंगे, 70 साल हो गए हमें सफर कर रहे, चौथी पीढ़ी आ गई है कस्टोडियन के, मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट जम्मू तहसील के पास रहता हूँ, और कम से कम भी मैंने अभी 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट दी है पूरे मेरे मोहल्ले में, वार्ड नंबर 6 के गुजरनगर के ऊपर, उसमें हमें कस्टोडियन का जो माल का चाहिए, हम रिफ्यूजी हैं नान कैंप 1971 के, मेरे पास एक कमरा है कस्टोडियन का, तो उसमें भी हमने इनके साथ बात उठाई है कि प्राइम मिनिस्टर जम्मू भी आ रहे हैं, हमें वहां तक भी बात जाएगी, हमारे कैप्टन साहब जो है वहां तक भी हम जाएंगे, तो ये हमारे माल का होना चाहिए। कैप्टन जी इनके जो प्रेसिडेंट हैं और ये आवाज उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी तक भी जाएंगे, लेकिन मैं बता दूं, देखिए हाथ में तिरंगा उठा रखा है और महिला भी जहां पे मौजूद है, इनसे भी जानेंगे क्या कुछ कहेंगे जी, क्या कहेंगे आज आप सारे घर छोड़ के इस समय जहां पे धरना प्रदर्शन पे आए हैं, क्या कहेंगे? यही जो हमारा काम करेंगे हम उनके साथ ही हैं, उनके साथ ही चलेंगे, जो हमारा काम करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हम पीछे हट जाएंगे। जी क्या कहेंगे? मेरा नाम स्कंदिया देवी, मैं अल्लाह बिंग प्रेजिडेंट पीयूष जेकर फूजी, हम कहना चाहते हैं कि जो हमारा नान कैंपर फूजी है उनको जमीने दी जाए और 24.5 बैलेंस हमारा वो दिया जाए, जो लोग हमारे रह चुके हैं जिनको जमीन नहीं मिली अभी जगह। ये तो हमने आप प्रधान जी से बात कर ली, लेकिन क्यों नहीं हो रहा, इस पे क्या कहेंगे? क्यों नहीं हो रहा, हम लेके रहेंगे और हमारे 24 सीट असेंबली की हम लेके रहेंगे, हम डरेंगे नहीं, 30 लाख लेंगे इधर से ही लेंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी हमारे देंगे। तो सीधी तस्वीरें आपके सामने इस समय जो है प्रेस क्लब के, जहां पे आप देखेंगे पीओजे के जो रिफ्यूजीज हैं वो अपनी मांग रख रहे हैं, सीधे तौर पे उन्होंने कहा कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट जहां पे देखा जा रहा है, सरकार इनसे बातचीत नहीं कर रही है, जो भी पॉलिसी आ रही है वो पॉलिसी इनसे बिना बातचीत किए ही इम्प्लीमेंट कर दी गई है, चाहे वन टाइम सेटलमेंट हो या 24 लाख का जो मुद्दा पेंडिंग मुद्दा है वो सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करती है। और इन्होंने ये भी कहा कि वह अपनी बात जब सरकार और जनता के नुमाइंदों तक रखते हैं तो अगली बार जब जाते हैं तो भावे नुमाइंदे बदल चुके होते हैं, तो उनकी जो सिचुएशन है वो एज इट रह जाती है जैसे पहले रहती है। शायद यही एक वजह है कि आजादी के 1947 के मिलने के बाद आज भी पीओजे के रिफ्यूजी जो हैं अपने हक और अपने हकूक के लिए इस समय जद्दोजहद कर रहे हैं, और आज भी इनको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, रोड पे उतरना पड़ रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर के ये रिफ्यूजीज हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट से ही हैं, हालांकि इन्होंने चिंता जताई है कि जो आउटसाइड द जम्मू कश्मीर स्टेट्स में रिफ्यूजीज हैं जिसमें पंजाब है हरियाणा है, वहां के रिफ्यूजीज के लिए भी सरकार को कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसीज लानी चाहिए जो उनके हित में हो, लेकिन हाथों में तिरंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारी जान है शान है और तिरंगे के लिए वह अपनी जान तक दे देंगे, सबसे आगे तिरंगा है और उसी तिरंगे के लिए आज ये जहां पे खड़े हैं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पीओजी की रिफ्यूजीज का मसला 1947 से चल रहा है, वो अभी तक हल क्यों नहीं हुआ उसके बारे में जरूर बताइएगा। आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक देख रही ग्रेट जम्मू वर्चुअल, क्या मैं काका के साथ मैं पंकज खजूरिया, जय हिंद।